Hello friends, welcome back to our channel. Don't forget to subscribe and like. So let's start our video. Go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, ये ईद के दिन है, ईद आ गई है, बकरा ईद आ गई है। और बकरा ईद के पहले वाले दिन तो गुजर गया है। पहले वाले दिन में तो इतना गोश आया, पापा लाए थे और इतना गोश आया, फिर वो मम्मा पापा लोगों ने साफ करके रख दिया। दूसरे ईद दिन ना हम लोग बोर हो रहे, फिर कॉल आए के पापा के दोस्त आ रहे हैं, बॉबी अंकल उनका नाम है, पापा के दोस्त आ रहे हैं। तो फिर वो आए और फिर वो तीसरे तक आए, उसके बाद जाके वो भी चले गए। फिर तीसरा दिन है आज। आज क्या हुआ, ये ईद ना इतनी सही नहीं गुजरी, लेकिन मेरी तरफ से लग रहा है सही है। अच्छा, जब दूसरे दिन में खाना बना था बिरयानी पुलाव, और बिल्कुल सही टेस्ट था। और फिर अब आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन में मम्मा बाबा गए थे किसी के घर पर दुआ करने, और अब वापस आ गए हैं। अब मम्मा बना रही हैं कढ़ाई, और कढ़ाई हम लोग बना रहे हैं मीट कढ़ाई, नॉट चिकन कढ़ाई। मैंने गलती से वीडियो की शुरू में कह दिया से इस चिकन कढ़ाई, अपने टाइटल में चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। आज हमने बना रहे हैं मीट कढ़ाई। तो हम लोगों ने पहले मीट डाला, उसके बाद ऑयल डाला, चिकन कढ़ाई, सो चिकन कढ़ाई बनने जा रही है। सॉल्ट डाल दिया आंखों के सामने, और फ्रेंड्स हाउ आई एम लुकिंग, नमक। तो फिर हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें डाल दी, और फिर सो फ्रेंड्स दिस इज माय लुक, एंड मैंने एक वॉच भी पहनी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है वैसे ही। फ्रेंड्स ओके, मैं आपको आज अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बताती है मैंने कि चिकन कढ़ाई बन रही है, जो चिकन कढ़ाई की तरफ और हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। की मैंने वीडियो नहीं बनाई ही, लेकिन आप लोगों को देख रहे हैं। उसके बाद जाके हम लोगों ने लिया ग्राइंडर। ग्राइंडर में हम लोगों ने तीन चीज़ें डाली कि उसे हम ग्राइंड कर पाएँ। सबसे पहली वाली चीज़ है अजवाइन, जो 2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमने डाला 2 टीस्पून। उसके 2 टीस्पून डालने के बाद, अजवाइन को 2 टीस्पून डालने के बाद हम लोगों ने लिया कोरिएंडर। कोरिएंडर को हमने डाला 3 टीस्पून। 3 टीस्पून कोरिएंडर डालने के बाद, जैसे आपको दिख रहा है, उसके बाद हम लोगों ने डाला ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर को भी 3 टीस्पून ही डालना है। उसके बाद 3 टीस्पून ब्लैक पेपर को डालने के बाद हम लोगों ने ग्राइंड किया। अजवाइन हम लोगों को 2 टीस्पून लेने हैं, लेकिन कोरिएंडर एंड ब्लैक पेपर 3 टीस्पून। उसके बाद जाके हम लोगों ने ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर दिया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो फिर आप लोगों के सामने ग्राइंड हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक एक और बात बता देती हूँ कि ये जो हम ये मीट कढ़ाई है वो बनाई है हमारे बाबा ने, और वो थी इतनी टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और इतनी टेस्टी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो फिर ऐसे ग्राइंड कर रहे थे बाबा,
और मैं वीडियो से दिखा रही थी। और देखें, अजवाइन, कोरिएंडर और ब्लैक पेपर हो गया है ग्राइंड जो आपके आंखों के सामने, और ये अभी भून रहा है। और ले लिया टमाटो और फिर उसका टमाटो का बाबा ने छिलके उतार लिए। और फिर टमाटो लिए हैं हम लोगों ने, 7 से 8 टमाटो ले लिए, टमाटर 7 से 8 ले लिए हैं। और फिर वो 7 से 8 टमाटर हम लोगों ने देचकी में डाल दी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को साथ में आँच भी दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जो ग्राइंड किया था, हम लोगों ने अजवाइन, कोरिएंडर एंड ब्लैक पेपर, वो हम लोगों ने एक प्लेट में डाल दिया और और फिर जो ग्राइंडर है उसमें हम लोगों ने डाल दिया है गरम मसाला, के गरम मसालों को भी हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है वैसे ही हम लोग गरम मसालों को भी ग्राइंड कर रहे हैं, और आप लोगों की आंखों के सामने हो रहा है गरम मसाला ग्राइंड। अच्छा, मैं ये बता दूं कि गरम मसाला हम लोगों ने 3 टीस्पून डाला है, हम लोगों ने 3 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। उसके बाद जाके हमने जो अजवाइन, कोरिएंडर एंड ब्लैक पेपर को ग्राइंड किया था उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है, उसके अंदर हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी 1.5 टीस्पून, और फिर कढ़ाई मसाला डाल दिया 3 टीस्पून, और फिर 10-15 मिनट के लिए ये सालन को भूना, जैसे कि आप लोगों को देख रहा है। अब ये जो हम लोगों ने किया था वो जो मिक्सचर बनाया था अजवाइन, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, कुटी लाल मिर्च और कढ़ाई मसाला का, वो हम लोगों ने डाल दिया है देच के में। तो फिर सालन को 10-15 मिनट के लिए भूनना है, जैसे कि आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ऐसे पापा मिक्स कर रहे हैं, और साथ ही में चूल्हे की आंच बिल्कुल सेट है, ज़्यादा तेज़ भी ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, आंच सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हो कि अच्छी तरह से बन जाए। अब इसके अंदर डाल दी है 7-8 ग्रीन चिली, इसके अंदर 7 से 8 हम लोगों ने ग्रीन चिली डाल दी है। और ये देखें हम लोगों का मीट कोरमा, मीट कढ़ाई रेडी है, और कितनी डिलीशियस दिख रही है, कितनी प्यारी है, इसके जायका तो बहुत ही मज़ेदार है। और हम लोगों ने खा के चेक की तो फिर इतना टेस्टी था, और मैं आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ तो पता ही चल गया होगा क्योंकि इससे पहले ही आ गई थी पिक्चर्स। देखेंगे कितनी प्यारी प्यारी ये पिक्चर्स हैं, एंड ये बहुत मज़े का बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा कोरमा? और फ्रेंड्स सॉरी कि चिकन कोरमा नहीं था, गोश्त कोरमा, मीट कोरमा था।
तो फ्रेंड्स मैं अभी सो रही हूँ, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। एंड फ्रेंड्स सो आपको कैसी लगी ये वीडियो? और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें डली वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और देख लें कि इस वीडियो में जो कोरमा मीट कोरमा बना है उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा, वीडियो में भी पता चलेगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी। एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। और ये चिकन कह रही हूँ, बार बार मेरे मुंह से चिकन ही निकल रहा है। मीट कोरमा बनाया है मेरे बाबा ने और इतना टेस्टी था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अभी पिक्चर गुजर गई है, आप लोगों ने पिक्चर में तो देख लिया होगा कि कितना डिलीशियस था। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक और वीडियो का भी बता दूँगी, ये कि वो वाली भी वीडियो आप देखना, वो वाली भी बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर मैं उस वीडियो का भी नाम नहीं बताने वाली हूँ, आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, ये भी देखें कि कोरमा जो है मीट कोरमा कैसे बना, वो सारी डिटेल भी उसकी भी लिखी होगी। और जाएं डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखें हमारी अगली वीडियो, खाने के मुताबिक या तो कुछ और भी हो सकती है। एंड वो वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, गो एंड सी। अच्छा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है ना, जाएं जाएं उसे देखें। तो इस वीडियो के लिए तो बाय, तो डिस्क्रिप्शन में वो देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, डिस्क्रिप्शन में देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय। सो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना अगली वीडियो में किस चीज़ के रिलेटिव बनाऊँ, कमेंट करें और बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो अभी के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय, सी आवर नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।